जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक नए चैप्टर संबंधवाचक प्रीपोजिशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संबंधवाचक की परिभाषा लिखेंगे। वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने वाले अव्यय शब्दों को संबंधवाचक कहते हैं। जैसे उसे बिना मेरा काम नहीं चलता, रोहन की अपेक्षा सुमित एक अच्छा आदमी है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस उदाहरण में अंडरलाइन किया हुआ शब्द संबंधवाचक का प्रतीक है। उम्मीद करते हैं कि आप संबंधवाचक के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आइए समझते हैं संबंधवाचक के कितने भेद होते हैं। संबंधवाचक के दो भेद हैं, पहला संबद्ध, दूसरा अनुबद्ध। आइए एक एक करके इन दोनों के बारे में समझते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। पहला संबद्ध संबंधवाचक, यह विभक्ति के बाद आता है। जैसे जाने के पहले, पिता की तरह, घर के भीतर, गली की ओर, उसके बिना। दूसरा अनुबद्ध संबंधवाचक, यह किसी संज्ञा या शब्द के बाद आता है। जैसे पुत्र समेत, किनारे तक, घर तक, धन रहित, रत्ती भर, सखियों सहित। दोस्तों, हिंदी व्याकरण का यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।